गाड़ी लगती है इसलिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी ये प्लान कर रहे हैं कि सैटरडे संडे लगेगा या सैटरडे संडे भी थोड़ा खाली करेंगे नहीं वो तो दिसंबर में होने जैसे कैसे हैं सर मैंने उसे उस घर को मैं मजे की नीचे छुपा दिया बड़े हाय कैसे है सर जिस वक्त हम ये सवाल खुद से करते हैं हम घर को परमिशन देते हैं अपने अंदर दाखिल होते हैं वो हमारे अंदर आकर बैठा रहते अब जब तक वो इंतजार में आपको बहुत अच्छा लगने वाला है उस गम साथ रहेंगे मजा आएगा मैच में अलर्ट रहेंगे लेकिन जिस रोज उसे पता चला कि कल रात से आप उसके डर से सोए नहीं है अभी सुबह वापस हम लोग और आप सबके गुलाम होते चले नहीं तो डर को आपके मालिक बनने पे यार आपके नौकर बनने पे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसके मालिक बनो उसके नौकर बन लो वो कुछ है आप सबके अंदर जो डर है क्या हाल है बढ़िया जरा इसके बारे में हमें बताइए इसके बारे में मैं एक एक्टर हूँ ये मेरा स्क्रीन है ये मेरा अलग अलग इमोशन के ऐप्स हैं आप जो भी बोलोगे मैं आपको लाइव परफॉर्म करके ये मेरे बारे में ओहो क्या फोटो आ रही है थैंक यू सो मच थोड़ा टाइम रहेगा तो मैं जरूर आपका सर ये बाय 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 सर आई वांट टू सी दैट बदर क्रश बदर क्रश और ये चूल ये मोहब्बत करके तो देखो लेकिन हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो जिम्मेदारी है या फिर कभी कुछ ऐसा हुआ कि यार मेरी लाइफ में कोई क्यों नहीं आती या फिर कोई क्यों नहीं आता मुझे सच्चा प्यार नहीं आता अब हुआ ये कि मुझे मोहब्बत भी करनी है उसका बोझ भी नहीं उठाना है तो उस कंडीशन में हमने क्या किया उसे बदलना शुरू उसे चेंज करना शुरू किया उसकी कॉस्ट कटिंग शुरू की कॉस्ट कटिंग क्या उसकी जिम्मेदारी उसके वादे उसके कस्में उन सबको धीरे धीरे हटाना शुरू किया हटा रहे और वेट कर रहे किस बात का वेट कर रहा कि मोहब्बत इतना हल्का हो जाए और इतना छोटा हो जाए कि वो चुटकी में आ जाए और जब मन हो तब चुटकी की तरह मसल भी और जब इतनी छोटी हो गई मोहब्बत तब आया दुनिया में हल्का फुल्का छोटा सा क्रश अब मोहब्बत में गहराई थी लेकिन क्रश दस साल दो महीने एक दिन एक रात या कभी भी बोर होते ही क्रश को उठा के नीचे रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता अब गंगा को अपने संकेत के हिसाब से जितना भी मैला मैंने ये भी ऑप्शन रखा हुआ बॉक्स ऐसे अच्छे लोग
घूमने वाले मैं एक्चुअली क्या है आपको काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ लेकिन आज दूसरी आज जागे आज पूछते हैं कि हमारे लिए तो नया है मुझे पता नहीं शायद कुछ इसका ऐड कर रहे हैं कर रहे हैं तो लेकिन आज मुझे लगा गया मुझे पूछो मैं काफ़ी दिन से देख मैंने को एक मत हो गया आप हर सुबह शक्ति होते नाला तुम्हारा रहता है मेरी हिम्मत नहीं हुई अरे यूनिक आपका एक तरीका है आपके आपको कुछ ऐड कर देगा अरे एज एन एक्टिव पर्सन तो हाँ और ये आपकी जो तकनीक है ना ये माशाल्लाह बहुत ही आला दर्जे की है लेकिन वो कहते ना दार से भाव चलते हैं चल रहा था अच्छा आप शेयर कर रखा था उसको बैठ जाएगा अभी जो परफॉर्म किया मैंने उससे खुश होकर मेरे एक भाई चाय लेकर आए भाई साहब ये मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है थैंक यू सो मच इस चाय और ये आपके लिए प्राउड वाली होगी लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि मैं आपके लिए चाय पिलाने लायक बना क्या बात नहीं नहीं ऐसा नहीं ये भी आपका प्यार है और मुझे यही प्यार है थैंक यू सो मच इस चाय आप चाय पीजिए मैं अभी आके ले जाऊँ ठीक है थैंक यू सो मच फोटो ले सकते हैं ना भाई इसको फोटो ले बिल्कुल ले सकते डिफरेंट कंसेप्ट है आपने किया है बहुत अच्छा लगा मुझे ये ठीक है भाई बहुत अच्छा थैंक यू सो मच ये भी खूबसूरती है फॉर्मेट बड़े अच्छे लोग इतना प्यार और सम्मान मिलता है मोटिवेशन मिलता है एंड ऑफ द डे एज एन एक्टर या फिर एज अ ह्यूमन बींग अगर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है और लोगों की तरफ से तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़रूरी गोल है ये अगर आप अचीव कर पा रहे हो तो फिर सब अच्छा है मुझे तो अच्छा फील हो मुझे नहीं मालूम कि ये फॉर्मेट कितना सक्सेसफुल होने वाला है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम और अभी ये चाय मैं शक्कर वाली चाय बिल्कुल नहीं पीता बट अभी जब भाई ने दिया तो फिर मरा नहीं बच सकता अभी 4:30 होने वाले हैं और आधे घंटे और रहूँगा और उसके बाद फिर यहाँ से मैं इतनी देर थकान हो रही है दरिया लेके आए तो पहले तो खत्म होने पर क्या हाल है भाई बढ़िया सफाई चल रहा है क्या तो चाय पी के फिर से एनर्जी आ गई है और अभी अब कोशिश करूँगा कि यहाँ से आधे एक घंटे और रहूँ और भाई आ गए मेरे तो अब आधे घंटे और रहूँगा उसके बाद घर की तरफ जाऊँगा जब भी ऐसी ऑडियंस मिलती है जब जिन्हें जिनकी तरफ से इतना प्यार मिलता है तो सच में एक और एक उम्मीद का एक पहाड़ भी मिलता है कि हाँ ठीक है चलते हैं अभी अच्छा हो रहा है तो फिर हाँ वो एक फीलिंग मैं कतई ये कप आपको ले जाने नहीं दूंगा मैं साथ चलूंगा नहीं नहीं दे दीजिए नहीं बिल्कुल नहीं देखो ये तो सर का बड़प्पन है नहीं नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वरना हम जैसे नए नए बंदे यहाँ आते हैं हमें इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला और वाकई में मैंने आज पहली बार देखा कि स्ट्रगल की हकीकत क्या होती है हाँ लेकिन एक 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 चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि हम जो स्ट्रगल कहते हैं ना हम उसे स्ट्रगल ना कहें फाइट ही बोले ना फाइट कर रहे हैं हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने को हम सब फाइटर हैं फाइट कर रहे हैं थैंक यू सो मच और ये तो मैं लेकर चलूँगा